नमस्कार, TV24 में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट। अयोध्या विवाद से जुड़ी एक और तारीख आज मिल गई। वजह रही एक जज का इस केस को छोड़ देना। अब फिर से नई बेंच बनेगी और मामले की सुनवाई 29 जनवरी से शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन जस्टिस यूयू ललित ने इस केस को छोड़ दिया, वो पहले भी ये फैसला ले सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी इस विवाद में जिन्हें किसी फैसले का इंतजार था, उनका इंतजार अब और बढ़ गया। इंतजार उन लोगों का भी बढ़ गया है जिन्हें यह उम्मीद थी कि राम मंदिर को लेकर उनका इंतजार अब कम होगा, लेकिन साधु संतों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। उन मुस्लिम पक्षकारों का भी इंतजार बढ़ा जिन्हें उम्मीद थी कि अब शायद सुनवाई किसी नतीजे पर पहुंचेगी धीरे धीरे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक और तारीख मिल गई। दरअसल गुरुवार का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई एक बार फिर से टल गई। एक और तारीख मिली, इसकी नई तारीख 29 जनवरी तय की गई। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने 5 जजों की बेंच में जस्टिस यूयू ललित के होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह के वकील रहे हैं। इसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। राजीव धवन ने यह केस 3 जजों की बेंच की बजाय 5 जजों की बेंच के पास भेजने पर भी सवाल उठाए। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बहरहाल मामले पर एक बार फिर से तारीख बढ़ जाने से इंतजार और बढ़ गया है। उधर साधु संत कह रहे हैं कि उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। इनको अगर यही करना तो पहले ही कर लेते हैं लोग, इसीलिए उन्होंने 29 जनवरी को लगाया डेट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हुए हैं, ट्रांसलेशन हुए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑर्डर हैं उनको एक बार हमारी रजिस्ट्रार रिपोर्ट आ जाए सारे करेक्ट है कि नहीं है, आफ्टर दैट मैं हेयरिंग के लगाऊंगा। सर क्या लग रहा है पूरे मामले में? पूरे मामले लग रहा है कि किक मार रहे हैं, आगे जा रहे हैं, डिले करने की कोशिश कर रही है और मुसलमान लोग डिले करने अनाहक कोशिश करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज नई बेंच बन गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है और मुख्य न्यायाधीश ने अपने अलावा वह 4 न्यायाधीश जो अपने टेन्योर में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे ऐसे लोगों को रखा है। इससे हमें लगता है कि उन्होंने इन अपीलों को अब वह महत्व दिया है जो उनका शुरू से ही था। पहली बात ऐसे कि यही तो दुर्भाग्य है, राम मंदिर के निर्माण के लिए शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी हाल ही में अयोध्या गए थे, आप जानते हो, और उसके लिए उसके पहले भी वो आलोचना करते रहे कि भाई मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं अध्यादेश की, क्योंकि इस कोर्ट के जरिए ये मामला तारीख पे तारीख वाला ही हो रहा है। अब पहले आपने 3 वो जजों का बेंच बजा, आज कहने लगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और 29 जनवरी की तारीख दी है, फिर उस दिन क्या होगा? उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा कि उसके बाद में बनेगा कि 29 तारीख को पूरा बेंच बैठेगा पता नहीं है। से कानून से बिल्कुल खुश हैं, चाहे 3 जज हो चाहे 5 जज हो। कोर्ट सुनवाई कर जो है शुरू होने जा रही है, जज सुनवाई करेंगे चाहे 3 हो चाहे 5 हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। कानून कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, कोर्ट फैसला देगा सबूतों के आधार पर देगा। हम कोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम राजनीति नहीं करते, हम कानून की बात करते हैं। कानून हिंदू मुसलमान नहीं देखता, कानून सबके लिए बराबर है, एक सा कानून है। हम हिंदू की बात नहीं करते, हम मुसलमान की बात नहीं करते, हम कानून चाहते हैं कि कानून जो भी बना हुआ है हिंदुस्तान का वो बिल्कुल दुरुस्त है। निश्चित रूप से न्यायपालिका ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है,
न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शांति थी उसको खलल पैदा किया है, शांति भंग करने का काम किया है। न्यायपालिका ने अपने देश को 100 साल पीछे ढकेल दिया। हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो रही है। आज जो है मेरा देश तरक्कियों की जो दौड़ में था 100 साल पीछे चला गया है। हमारे यहाँ जो भी सामुदायिक सद्भाव था उसको बिगाड़ने का काम न्यायपालिका ने किया है। अब न्यायपालिका से मेरा विश्वास उठ गया। हिंदू जनमानस और साधु संतों में अपार रोष है कि तारीख पर तारीख उच्चतम न्यायालय से भरोसा था, विश्वास तो नहीं था, पहले भी विश्वास नहीं था। मैंने पहले से कह रहा था कि उच्चतम न्यायालय शुद्ध रूप से जैसे राजनीतिक राजनेता लोग राजनीति कर रहे हैं राम जन्मभूमि पे, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के अंदर भी राजनीति का कीड़ा घुस गया है, जिससे अपार हिंदू जनमानस में रोष है। साधु संतों को अपार तकलीफ है, जो भगवान श्री राम टेंट में हैं उनको उच्चतम न्यायालय को वो तो कभी दर्शन करने आते नहीं, वो दर्शन करने के लिए आए तो उनको देखें कि कैसा महसूस होता है। इसके नाते तारीख पर तारीख करते हुए ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब मामला कोर्ट पहुंच जाता है तो सुनवाई कब हो ये जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है, ये हमारी नहीं है। हम तो केवल कोर्ट में जो है सबूत पेश करते हैं, यही जिम्मेदारी हमारी है कि हम सबूत पेश करते हैं, कोर्ट अपना काम करेगा। जिसके हक में सबूत होगा उसी के हक में फैसला आएगा। जिस प्रकार से 5 जजों का जो बेंच बनाया गया है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये संविधान पीठ होती है और आशा है कि इन 5 जजों के बीच में प्रतिदिन सुनवाई होकर के और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान होगा, ये बहुत आशा है। और कोई रास्ता तो बचा नहीं है रामलला के लिए, केवल एकमात्र कोर्ट ही है। कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय होगा वही हितकर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह कोर्ट जो 5 जजों की बैठी है यह प्रतिदिन सुनवाई करे और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर दे। इस पूरे मामले में पहली बार जो है गंभीर हुई है, और जब ये 4 तारीख को सुनवाई टाले और 10 को डेट दिए और बीच में ही 5 जो है जस्टिसों की बेंच गठित हो गई, तो इससे ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका बहुत गंभीर है और न्यायाधीश बहुत गंभीरता के साथ में अब इस मामले का निस्तारण करना चाह रहे हैं, और यही जनहित में है, राष्ट्रहित में है, और यही चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो सबके हित में है। क्यों हम ये नहीं कहते हैं न्यायपालिका जो है जो आज से सुनवाई करने जा रही है निष्पक्ष सुनवाई करें। ये लोग तो राजनीति वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से निर्णय था कि 19 को तारीख थी, ये लोग जल्दी ही बनाए। लेकिन भविष्य में जहां राम जी का मामला है, जो हो रहा हो ठीक हो रहा हो ठीक होगा, और निर्मोहिया अखाड़े को मालिकाना हक का मामला हो, वह आखिरी में वो सफलता मिले, थोड़ा समय लगेगा। समय में जो पक्षकार लोगों को बहुत जल्दबाजी नहीं देखना चाहिए, वोट में हमेशा समय लगता है। उम्मीद पक्षकारों को तो हमेशा यही उम्मीद आता कि सफलता में जीतने के लिए जाता, हारने के लिए नहीं जाता। और हम लोगों के लिए राम जी के ऊपर विश्वास है, राम जी हमेशा जो भी कर रहे हैं हमेशा ठीक कर रहे हैं और ठीक ही होगा। तो एक और तारीख इस पूरे मामले पर मिल गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक इंतजार करते रहेंगे, इंतजार कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। और इसी तरीके से जो साधु संत हैं, जो उम्मीद लगा रहे हैं, जो पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं, जो उम्मीद लगा रहे हैं कि इस पर कुछ फैसला हो, क्या अब उनकी उम्मीदें टूट नहीं रही हैं, ये एक बड़ा सवाल। अशोक ठाकुर बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अकरम कादरी साहब कांग्रेस से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है कादरी जी आपका। और राघवेंद्र दुबे SP से हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और RB उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी। अशोक ठाकुर जी, साधु संत उम्मीद लगा रहे थे, आपने दो तरह की आज बाइट सुनी यहाँ पर, साधु संत उम्मीद लगा रहे थे कि अब चूंकि आज मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और उनका इंतजार थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर से उनको निराशा हाथ लगी। अब वो कह रहे हैं कि धैर्य उनका जवाब दे रहा है। देखिए, कपिल सिब्बल जी ने कुछ दिन पहले कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि ये राम मंदिर वाले जो भी विषय है उस पर सुनवाई 2019 के बाद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा ये सब उसी दिशा में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जी ने उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाकर
जिस तरह से न्यायपालिका पर एक दबाव बनाने का काम किया था और जैसा कि उनके बारे में जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अंदर भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिख रहा है, हस्तक्षेप दिख रहा है और उनके किए शब्दों को की तरफ जो चीज़ें बढ़ रही हैं। और जो कांग्रेस प्रत्यक्ष तो इसमें नहीं आ रही है, लेकिन पिछले दरवाजे से इसको डिले कराना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें उनके पक्ष में कुछ बचा नहीं है। भगवान राम के पक्ष में उस जन्म स्थान के बारे में, जो उसके नीचे मंदिर था उस स्थान के नीचे, और उस प्रकार किस प्रकार ऊपर जो है उसके ऊपर उसको तोड़कर ऊपर जो है वो एक ढांचा बनाया गया था, मुझे लगता है कि ये सब बातें उनको पता हैं और जो साक्ष्य मिले हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है इसको डिले करने के अलावा। लेकिन मुझे ये लगता है डिले किसकी ओर से हो रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं साधु संत, ठीक है। लेकिन है, मुझे अकरम कादरी, अकरम कादरी जी, एक छोटा रिएक्शन आपका, शुरुआत सर, सारे मेहमानों को जोड़ दें, फिर आते हैं सर आप ही से सवाल पूछना। अकरम कादरी साहब, देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तरीके से काम करता है, उसमें बार बार ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से वहां नहीं खड़े थे, वो एक वकील की हैसियत से खड़े थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील थे। लेकिन ये इनकी सरकार है, 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम इस पर कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया से काम चलेगा, अमित शाह जी खुद ये कहते हैं। लेकिन जब अमित शाह के खुद के केस होते हैं तो जजों को किस तरह से उनका हाल किया जाता है, इस पर वो कुछ नहीं कर रहे। इनको मुद्दा ये है इनका कि इस मुद्दे के पर सवार होकर 2019 जीतना चाहते हैं, वरना राम मंदिर बनाने की बात जिस और लोगों ने करा मोदी के अलावा, उन पर लाठीचार्ज अयोध्या के अंदर किया गया, आखिर ये अपना ही क्यों समझ बैठे हैं कि हम ही राम मंदिर बनवाएंगे? क्या इनको विकास के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते 2019 का? और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, ये देश के लिए बहुत घातक है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, आखिर 1500 प्रश्नों की कई भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन होना है, कैसे जल्दबाजी में फैसला आ सकता है, किसी एक पक्ष को किस तरह से? आप दोनों ही बातें कह रहे हैं यहाँ पर, अकरम कादरी साहब दोनों ही बातें कह रहे हैं कि जल्दबाजी में भी फैसला नहीं आ सकता है और डिले हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं बीजेपी? नहीं, ये तो ये हमको दोष दे रहा है, इसलिए ये बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट, एक बात बताइए, विपक्ष में बैठ के कांग्रेस कैसे प्रभावित कर सकती है? आपके प्रधानमंत्री, आपकी सरकार, दो मेहमान आ रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं। राघवेंद्र दुबे सर आते हैं, राघवेंद्र दुबे आपका एक रिएक्शन छोटा इस पे चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कोर्ट जो है वो संविधान के अनुसार चलता है, साक्ष्यों के अनुसार चलता है, भाव और भावना से नहीं चलता है। भावना तो हमारी भी हो सकती है हिंदू होने के नाते कि राम मंदिर बने, लेकिन कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर और संविधान से सम्मत जो कार्य होगा उसी से बना हुआ है। अब बात ये आ रही है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे, इनके नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया हो, चाहे अमित शाह से लेकर के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों उत्तर प्रदेश के, सभी लोग कह रहे थे मंदिर तो हम ही बनाएंगे। अब जब बात आ गई तो कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। प्रधानमंत्री का रिएक्शन आ गया इंटरव्यू में कि भाई ये जो कोर्ट करेगा वही उसका हम इंतजार करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने भी एक बार इससे पहले भी कह दिया था भाई हम कोई अध्यादेश लाना नहीं जा रहे, जब इनके सांसदों ने बात की। तो इनका दोहरा चरित्र लगातार हो रहा और ये संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके उनको कमजोर करना चाहते हैं, इन्हीं की सरकार है फिर भी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत घातक है। चाहे विनय कटियार हों, उन्होंने भी पहले कहा था कि कांग्रेस के दबाव में लगता है सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, और भी बहुत सारे लोग जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसको जल्दी से इसका निपटारा नहीं किया हिंदुओं का खून उबाल मार जाएगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। मतलब एक सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था को देख रहे हैं वही लोग धमकी दे रहे हैं कि यहाँ खून खराबा हो जाएगा, तो इस देश का क्या होगा, ये चिंता का विषय है। और राम मंदिर सभी के आस्था का विषय है, लेकिन कोर्ट अपने अनुसार चलेगा, वही हम इनसे कहना चाहते हैं। पूरा घोषणा पत्र उन्होंने जो किया उस पर कुछ काम नहीं किया। आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी सर, किस तरीके से पूरा माहौल ये बन रहा है ये बताइए, जिस तरीके से तारीख पे तारीख मिल रही है राम मंदिर को लेकर, या फिर जो और कोई दूसरा फैसला अगर होता है तो इसको लेकर लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। देखिए दो चीज, पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझना होगा, जो पैनलिस्ट हैं इनको भी ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई मंदिर और मस्जिद का फैसला नहीं कर रहा है कि वहाँ मंदिर बने विवादित भूमि को लेकर। देखिए वो टाइटल सूट है, उसको ये तय करना है कि भी इस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। उस पर मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी वो आप लोग डिसाइड, और जो भूमि का जो मालिक होगा इसको मालिकाना हक मिलेगा, वो फैसला करेगा कि भी उस पर मंदिर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, गुरुद्वारा बनाएगा या
तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं कई चैनलों पे आज देख रहा हूँ, मैं गया अभी चैनल पे, हर जगह वही एक कि भी राम मारे कोर्ट का राम मंदिर और मस्जिद से क्या लेना देना है। और देखिए फैसला जब टाइटल सूट का होता है, अभी मालिकाना हक का होता है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं उनका संवैधानिक दायरे में रहकर वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। अभी पेपर्स का है, फिर अभी किसका कब्जा कब था कहाँ रहा, बहुत सारे पैरामीटर्स उसके हैं, तो इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगेगा। उस पर राजनीति करने के लिए कोर्ट ने तो नहीं कहा था कि भी अपने मैनिफेस्टो में लेके आइए, क्या कोर्ट से कोई परमिशन ली गई थी? यानी कि अगर चुनावी चश्मे से इसको देखें तो इलेक्शन तक उम्मीद एकदम छोड़ दें किस पर कोई फैसला आ सकता है। देखिए सर, ये तो बड़ा क्लियर है कि 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, और आप देखेंगे कल तक जो कह रहे थे कि मंदिर हम ही बनाएंगे, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भी हम कुछ नहीं, वो तो मामला संविधान के दायरे में और कोर्ट जो फैसला करेगी, उसके बाद हम सोचेंगे। तो भाई अब तक धर्म संसद, अब तक जन जागरण, अब तक मैनिफेस्टो में लाना, तो ये सब क्या था? या तो वो नाटक था या फिर ये नाटक है, दोनों में से ये डिसाइड हमारे दर्शक करेंगे कि भाई फाइनल देखिए जो जनता की अदालत है, जो सर्वोच्च अदालत है, वही फैसला करे। देखिए मैं राघवेंद्र दुबे जी को भी सुन रहा था, क्या है भी वो क्लियर, कोई कुछ नहीं कह रहा कि मंदिर अभी आप भी सत्ता में रहे आप बना देते, मुद्दा नहीं, टोपी ट्रांसफर यहाँ पर एक तरीके से हो रहा है ना, बस हर आदमी राजनीति कर रहा है। और देखिए साधु संत की बात आ रही थी अभी, मैं सुन रहा था कि उनका धैर्य जवाब दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता कि 2014 में सत्ता में आई थी बीजेपी की सरकार, तो उसके बाद 15 में धैर्य जवाब क्यों नहीं दिया, 16 में क्यों नहीं दिया, 17 में क्यों नहीं दिया, 2019 का इलेक्शन सर के ऊपर आ गया तब धैर्य जवाब दे रहा है। ठीक है, तो ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? ठीक है, किसी को राम से मतलब नहीं, राम के मंदिर से मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए और वोट किस तरह से मिल सकता है इसके अलावा पूरा इसका अंगणित चल रहा है। ठीक है, हासिब अहमद हमारे साथ, मौलाना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हासिब जी, आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जैसे एक और तारीख मिली, सुनवाई टली, किस तरीके से इसको देख रहे हैं सर? ये नफरत की कैसी हवा चल रही है जी, ये नफरत की कैसी हवा चल रही है, चरागे मोहब्बत बुझा जा रहा है, और जो पत्ता हवा का पता दे रहा था वही पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है, और जो कातिल है कातिल है कातिल है कातिल है उसी को मसीहा कहा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों की वनवास काटे, और 14 वर्षों की वनवास काटने के बाद 30 वर्षों से रामलला आज भी अयोध्या में उसी त्रिपाल के नीचे आस लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं द्वारा उनको न्याय मिलेगा, और आज उसी न्याय की आस लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने पूरे विश्व का जीर्णोद्धार करा, सनातन धर्म को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, आज वही रामलला सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर खुद के न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जब 2019 की पहली तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पष्ट और साफ कर देते हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश वो लाने वाले नहीं है, इससे ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट रास्ता साफ हो चुका है कि रामलला के मंदिर का निर्माण इनको करवाना नहीं है। देखिए आप जो शब्द है, पार्टी देखिए मेरी बात सुन लें और मौलाना साहब सुन भी लें, राजनीतिक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, राजनीतिक मौलाना साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सर अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपना शब्द जो आपने शब्द यूज किया कि भगवान रामलला कोर्ट के अभी वहां खड़े हैं दरवाजे के ऊपर, रामलला और मस्जिद का प्रश्न नहीं है। मैं फिर कहता हूं आप भी पढ़ के आइए, आप भी कोई अच्छी राजनीति नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, आपका भाव भी समझ में आता है। देखिए वो टाइटल सूट है, वहां मालिकाना हक डिसाइड होना है, भगवान राम डिसाइड नहीं होने। 1989 से लेकर 2014 तक की राजनीति में आप लोगों ने बेचने का काम किया, 2014 की सियासत में आपने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट करा। ठीक है, मैनिफेस्टो ठीक है, हासिब अहमद, हासिब अशोक ठाकुर इसका जवाब दीजिए, इस बार तो मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे इस मसले को। हासिब अहमद आते हैं, सवाल ले लेते हैं बीजेपी सवाल ले लेते हैं, सर इस बार मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे राम मंदिर? मैंने आपसे क्या कहा कि दशकों से हमारे मैनिफेस्टो में है और हमारे मैनिफेस्टो से बाहर नहीं गया, क्यों है? और हमारी प्रतिबद्धता है, क्यों है? हमारी कमिटमेंट है, क्यों है? तो अगर मैनिफेस्टो में था,
और जब कोर्ट ने करना है तो आपकी प्रतिभा किस लिए? जहां तक नहीं नहीं कोर्ट ने, आपने खुद कहा यहाँ टाइटल सूट का फैसला करना है, तो आप कहां बीच में? वो राम सर, जनता को फंसा रहे हैं आप। अरे साहब टाइटल सूट का फैसला होगा तो राम मंदिर बनेगा ना? आप मैनिफेस्टो में क्यों ला रहे हैं टाइटल सूट का जो फैसला है? नहीं मैनिफेस्टो में फिर क्यों ले रहा है? टाइटल सूट क्लियर नहीं है क्या? 100 वर्ष लगेंगे इसमें? हक क्लियर नहीं है तो आप कैसे कहते हैं? करोड़ों लोगों की ठीक है अशोक ठाकुर जी, अशोक ठाकुर जी, अशोक ठाकुर जी 100 वर्ष नहीं लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे यही बता दीजिए। चलिए मुझे बताइए कि आखिर कैसे होगा, मुझे तो वो फिल्म याद आती है सर। ये सवाल तो आपसे हम पूछ रहे हैं, ये आपसे हम पूछ रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में कैसे होगा बताइए ना सर। देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और उसको बंद कर दो ना सर। यही सवाल तो आपसे है उपाध्याय जी, यही सवाल तो अशोक ठाकुर जी, यही सवाल तो आपसे है साधु संत, यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि मैनिफेस्टो में आप लेकर आते हैं ना। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि देश के अंदर न्याय देरी से हो रहा है, उसके लिए पार्लियामेंट में हमने कानून बनाया ये, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मैं तो कहता हूं कि अब न्याय जो है जल्दी मिलना चाहिए लोगों को, न्याय देना न्यायपालिका की पहली ड्यूटी है, प्राथमिकता है उसकी। और पार्लियामेंट में कब कानून बनाया? और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए था और देश के सभी लोगों को मिलकर न्याय जल्दी मिले, सस्ता मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया था, उसको उसका स्वागत करना चाहिए था। अकरम कादरी देखिए, पार्लियामेंट में कोई इसके लिए अध्यादेश आप लेकर नहीं आए और किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कहां बना दिया कानून? आप बताइए तो कहां कानून है? सुप्रीम कोर्ट ने रोका, कमाल कर रहे हैं, बताइए में करा कब रोका? किसी को नहीं पता, यहां पर रोका आप बेमतलब देने के अशोक ठाकुर रोका आप तो नहीं नहीं आप गलत हैं यहां पर आपके लोगों को संबंधित से पास किया कर रहे हैं आप सुन ले नहीं नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान आप करते हैं। एससी एसटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई किसी को गिरफ्तार करने से पहले यह देख लें कि शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत तो नहीं की, एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लें। तो आप कितना सम्मान कर रहे थे, आपने उसको बदल दिया, आपने कहा नहीं कोई पूछने की जरूरत ना, ले जाओ तो बंद कर दो। जब तीन राज्यों में आपकी सत्ता चली गई तब आपको ज्यादा समर्थन को 10% आरक्षण दे दो, यहां कोर्ट ने नहीं रोका आपको। क्या अच्छे काम के लिए आप दूसरे पे टोपी ट्रांसफर कर देते हैं कि वहां कोर्ट रोक रहा है, वहां कोर्ट दखलंदाजी कर रहा है, और कोर्ट ने जहां दखलंदाजी की वहां आपने कोर्ट को धता बताते हुए और आपने अपना जो एजेंडा था लागू कर दिया। ठीक है, एक मिनट अपनी बात समाप्त करूं। ड्यूटी पूरी करते हुए न्यायपालिका में सुधार के लिए जो कानून बनाया, नहीं राम मंदिर के मसले पर ड्यूटी पूरी हो गई, राम मंदिर के मसले पर ड्यूटी पूरी हो गई। ये बीएसपी आपसे नाराज है, शिवसेना इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस एसपी क्या कह रही है आप सुनिए। इतनी देरी करना ठीक नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट का खाली मौका दीजिए। ठीक है हासिम अहमद अपनी बात कहिए सर। हाँ मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, कुल मिलाकर के कहना ये है कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए और हजारों संत मुल्ला पादरी और पंडे निकल आए। बड़ा गौर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी और जो भी मित्र हमारे यहाँ पर बैठे बड़ा गौर से, मशहूर शायर का बड़ा मशहूर सा शेर है ये, और यह शेर आपके नजर कर रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ, हिफाजत कर लीजिएगा इसकी, कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए और हजारों संत मुल्ला पादरी और पंडे निकल आए, और वो नुक्कड़ की भिकारन जो कल तलक उड़िया थी मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। जाति धर्म मजहब की आग में आज मेरा मुल्क जल रहा है, जाति धर्म मजहब की आग में मेरे मुल्क को झोंका जा रहा है, मगर मैं उस इलाहाबाद से हूँ जहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब रहती है, जहाँ पर नवरात के महीने में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के घर से आवाज आती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति स्वरूपायतु सत्तिका नमस्तस्य 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 नमो नमः। वही रमजान के मौके पर मुसलमान के घर से आवाज आती है, विश्व में गदिन नमस्ते। प्रयागराज की आबो हवा क्या कह रही है आसिफ अहमद जी, ये भी बताते चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्रयागराज की आबो हवा को तो इन लोगों ने जिन लोगों ने कुंभ मेले को कुंभ अर्ध कुंभ को कुंभ में तब्दील कर दिया, और हम लोग इलाहाबाद के कुंभ को आज पहली बार नहीं देख रहे हैं। मैं बचपन से लेकर के जवानी की दहलीज पर जब भी कदम रखा हूँ तो मैंने कुंभ को देखा है, यहाँ की रेती में समुद्र के मंथन को बदल रहा हूँ। बदल गया, इलाहाबाद नहीं है अब वो प्रयागराज हो गया। ठीक है हासिब अहमद जी, हासिब अहमद आप बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हासिब अहमद आपके आपके जो तमाम सवाल यहाँ पर उठे हैं वो जवाब ले लेंगे बीजेपी से। आज छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और तारीख मिली सुप्रीम कोर्ट से, अब 29 तारीख को मामले में सुनवाई होगी और एक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। चेतना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हिंदू धर्म गुरु हैं। चेतना जी, धैर्य जवाब दे रहा है। साधु संत आज बड़ी संख्या में पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां पर नारेबाजी भी हुई और परेशान है साधु संत, कह रहे हैं कि अब देर सहन नहीं हो पा रहे। देखिए, अब ये असंभव हो गया है कि राम मंदिर का निर्माण हो, जो आखिरी उम्मीद न्यायालय था, लेकिन आज जिस तरीके का घटनाक्रम, जिस तरीके का नाट्यक्रम न्यायालय में, न्याय के सर्वोच्च मंदिर में खेला गया, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम पक्षकार इसको तब तक लिंगर ऑन करना चाहते हैं जब तक यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी ना बढ़ जाए कि वो हर मंदिर को टारगेट करके उस पे दोबारा से मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद निर्माण ना कर दें। आज जिस तरीके से राजीव धवन ने कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाया, ये बहुत तय था कि कोई भी जस्टिस जो किसी भी मुकदमे में पहले अधिवक्ता रहा हो उस मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता। पांच दिन पहले बेंच का गठन हो गया था, लेकिन पांच दिन में एक भी ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्षकारों के अधिवक्ता की तरफ से नहीं लगाया गया। इससे साफ हो गया है कि नपुंसक नेताओं ने, रीढ़ विहीन नेताओं ने हिंदुओं के माथे पर महाविनाश लिख दिया है और हम दुनिया की अकेली ऐसी कौम निकले जिन्होंने अपने भगवान से छल किया, अपने भगवान पर राजनीति की, विश्व के पटल पर अपने भगवान का मजाक बनाया। सरकार से कुछ उम्मीद, मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर का मसला रहा है। किसी भी नेता से कोई उम्मीद नहीं है, ना सत्ता पक्ष के ना विपक्ष के। अशोक ठाकुर जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहले भी कहा कि हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है और संविधान के दायरे में जो हर कोशिश। प्रतिबद्धता अशोक जी, प्रतिबद्धता आपकी तब दिखाई देती, प्रतिबद्धता तब महसूस होती जब आपका कानून मंत्रालय पांच वर्षों में कोई एडवाइजरी जारी करता सुप्रीम कोर्ट को और ये कहता कि ये जनहित का मामला है, ये देशहित का मामला है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, इस पर जल्दी सुनवाई कर ली जाए। लेकिन आज तक भी एक प्रार्थना पत्र, मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ, एक प्रार्थना पत्र लिखित रूप में आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा गया और आज भी कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। और जिस तरीके से जस्टिस यूयू ललित को के कंडक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हो उस बेंच में बहुत स्पष्ट है कि मैलाफाइड इंटेंशन दोनों तरफ से रही, जस्टिस यूयू ललित की भी और साथ में उस राजीव धवन की तरफ से मुस्लिम पक्षकारों की भी। ठीक है, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। अशोक ठाकुर जी, जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं एसपी और कांग्रेस के पास। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी ये जानती है, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते, ये हमारी भावनाओं का मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है उसके लिए लड़ना हर राजनीतिक नेता का, जो उसमें आस्था रखता है, उसकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है और उसी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया और इस दिशा में लगातार आगे बढ़े और हमारी जो कमिटमेंट है हम उसको पूरा करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो कोर्ट में टाइटल सूट जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक इसमें आगे की कार्रवाई हो रही है। एक ढाल के तौर पर सर इस्तेमाल हो रहा है राघवेंद्र दुबे। लेकिन मैं एक बात का, एक सेकंड में पूछ लूं आपको, भावना का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है, मर्यादा का प्रश्न है, राष्ट्र का प्रश्न है, ये आपको जो दिखा या जो आपकी समझ में आया, ये 2018 के लास्ट में 2019 का इलेक्शन आने वाला सर के ऊपर है, 3 राज्यों में सरकार चली गई तब याद आया, 2015 में तो आपको नहीं लगा कि भावना का आस्था का प्रश्न है, तब आप ये भी सर, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आस्था और भावना पर कोर्ट चलता नहीं। आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, इस देश के अंदर जब भी चुनाव होता है तब आप यही एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं और हर चौथे दिन चुनाव होता है, तो चुनाव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है ये,
और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया है। भारतीय जनता नहीं, पार्टी लेकिन मैनिफेस्टो में सर हर बार लाते हैं ना, ये संतों की मांग है, संतों की मांग है और संतों की मांग से ये अभी लेकिन सुनवाई कहां और संतों की मांग। आप शुरू से पहले दिन से काम शुरू कर देते हैं राघवेंद्र दुबे, राघवेंद्र दुबे में लगे किसी भी राजनीतिक पार्टी से संविधान के दायरे में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। सब कुछ करना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों उसमें दखल करते हैं? आप अभी राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, आप क्यों राजनीतिक एसपी का पक्ष रख रहे हैं, आप उसमें क्यों वोट मांग रहे हैं? अरबी पद इसमें अगर राघवेंद्र दुबे कांग्रेस लगा रही है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि जो 59 से आपका लगातार ये मुद्दा है एजेंडे में है, अब आप कहने लगे कि कोर्ट के अनुसार होगा, जब कोर्ट के अनुसार ही जब कुछ होना है तो आप इसको क्यों मुद्दा बनाते रहे वोट बैंक के लिए? दूसरी बात, धर्म संसद हुई दिल्ली में, धर्म संसद के बाद जब इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पर, बीजेपी की पार्टी फोरम पर राम मंदिर मुद्दे निर्माण पर कोई चर्चा ही नहीं हुई आज तक, तो आज तक जहां चर्चा ही नहीं हुई। और ये भी कहा गया, ये भी कहा गया कि इस बार के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा नहीं होगा प्रोमिनेंट, नहीं ये भी कहा गया आपके बड़े नेताओं की ओर से। राजू साहब ये बात समझिए, आप मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए इसमें अभी भी प्रयागराज में बोले थे जो गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य हैं अधोच्छानंद जी महाराज, उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर अगर किसी ने झूठ बोलने का काम किया है तो ये बीजेपी की सरकार है और उसका प्रायश्चित है ना तीन राज्यों में सत्ता गवा करके करना पड़ा। उन्होंने कहा इतना राजनीति में बोला जाए, मंदिर निर्माण की बात करते थे, अब ये उससे बिल्कुल अलग हो गए। दूसरी बात, गंगा सफाई की भी इन्होंने बात की थी, आज प्रयागराज का वहां कुंभ होने जा रहा है, वहां पर दूषित जल से आचमन करना पड़ेगा, दूसरे जल से नहाना पड़ेगा, वही पीना पड़ेगा, तो ये सरकार की प्रतिबद्धता थी। ये कह रही सरकार की प्रतिबद्धता वो होती है कि हमने कमिटमेंट जो कर लिया उसे हम करेंगे, और ये नहीं कमिटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को करना है तो